ज्वाला परी, शौर्य कहाँ है? शीत लहर की समस्या को सुलझाने के लिए शौर्य तप करने गए हैं विवान। ओह, इसका मतलब हमें शौर्य के लौटने से पहले कोई तरीका सूटना होगा। अगर धरती का टेम्परेचर ऐसे ही कम होता रहा तो डिजास्टर हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई योजना है विवान? ज्वाला परी, अब अपनी अग्नि शक्ति से धरती का टेम्परेचर कम होने से रोक सकती है। लेकिन इस बीच तुम क्या करोगे विवान? जैसे रावण की मौत उसकी नाभि में थी, ठीक उसी तरह इस शीत लहर का भी कोई सोर्स होगा, तो मैं उस सोर्स को ढूंढ के खत्म कर दूंगा। तब तक आप अपनी हीट वेव्स धरती पर भेजते रहना। ये मुझे ही गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है। चलो अच्छी बात है, ठंड कम होती जा रही है। आई होप मुझे देवू भैया और बिबर डुबाने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। तिमनासा को नकाबपोश चाहिए तो ठीक है। ये मैं क्या देख रही हूँ? डब्बू चला, सुपर डब्बू बने। ओ हेलो। हेलो। मुझे देख के तुमने ऐसे क्यों मुंह घुमा लिया जैसे किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो? मैं काली बिल्ली बिल्ली जैसे अंधविश्वास में नहीं मानता। तो फिर मुंह क्यों फेरा? वो तुम एक वायरस की तरह खतरनाक हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बोलने ही वाला था। गो अनन्या, गो गो अनन्या, गो। डब्बू, अपनी माँ को तिमनासा से छुड़ाने के लिए नकाबपोश की असलियत पता लगाना बहुत जरूरी है, और इसमें मुझे इस डब्बू की हेल्प लेनी होगी। वैसे मैडम, आप यहाँ करने क्या आई थी? तो तुम्हें इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। रियली? इन योर ड्रीम। वो तो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि नकाबपोश से तुम्हारी कोई हाय हेलो चल रही है क्या? नकाबपोश? अरे वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, मुझे क्यों पूछ रही? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तुम्हें पता होगा। देखो मैं तुमसे सॉफ्टली बात कर रही हूँ तो सॉफ्टली जवाब दो। अरे वाह, मतलब कमरा मेरा, मेरे कमरे में तो मेरी परमिशन के बिना ताक झांक कर रही हो और मैं सॉफ्टली जवाब दूं? वाह, मैं इस हरकत के लिए सोसाइटी में कंप्लेंट कर सकता हूँ। मिश्रा जी, अनन्या देखो। अरे अनन्या जा रही हूँ, चल यार। Thank you.
शीतलहर यंत्र खराब हो गया, इसलिए धरती लोक पर ठंड कम पड़ रही है। यंत्र खराब नहीं हुआ बेवकूफ, बल्कि ये विवान और परियों की वजह से हो रहा है। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि समुद्र में आए तूफान को कागज की कश्ती में बैठकर पार नहीं किया जाता। ये क्या हुआ ज्वाला परी? धरती का तापमान अचानक से गिरता जा रहा है और मेरी प्राण शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। तनीषा और अभय के लिए पापा जी ने खुद अपनी स्पेशल डिश बनाई है। ये उन्हें उनके कमरे में दिखा आती हूँ। रानी का कमाल तौबा तौबा। और रही बात उस नकाबपोश की, वो तो बहुत जल्द घुटने टेक कर नाक रगड़ते हुए मेरे सामने आ जाएगा और फिर उस विवान की असलियत में सबके सामने ले आऊंगी। करुणा जी, आप कब आई यहाँ पर? आपने बताया नहीं। मैं? हाँ, मैं तो तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन माफ करना, मैंने सुना कि तुम लोग किसी की असलियत बाहर लाने के बारे में बात कर रहे थे। बता ही दूं। हाँ, वो क्या है ना करुणा जी, अभय के कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि बहुत ट्रबल कर रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि उनकी हकीकत, उनकी असलियत सबके सामने आ जाए, यू नो, थिंग्स विल बी सॉर्टेड एंड वी वोंट बी बॉदर्ड मच, तो वही बात कर रहे थे। अच्छा, ये बात है। मुझे लगा कि हमारी मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कमी नहीं। दीजिए, आइए ना प्लीज। नहीं नहीं, तुम लोग बातचीत करो, मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मुझे नहीं लगता ये हमारे बिजनेस पार्टनर यानी विवान को सबक सिखाने का सही समय है। हम यहाँ नकाबपोश को ढूंढने आए थे ना। भयमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना, वो चूजा मेरी दी हुई धमकियों को मजाक समझ रहा है, पर मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब को ढूंढने के लिए भेजा भी किसको है, अकल से पैदल देवू को। एक बार मुझे इस विमान को ढूंढ लेने दो, उसके बाद जो तुम्हें करना हो वो करना। विवान, विवान तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही? हेलो, यहाँ पे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, तुम कहाँ हो विवान? ये यंत्र काम भी करता है या नहीं? हेलो विवान। अरे यस यस भैया, मैं सुन पा रहा हूँ, बट वहाँ की इमरजेंसी प्लीज आप ही हैंडल कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे दुनिया की इमरजेंसी हैंडल करने जाना है। नहीं संभाल सकता विवान,
यहाँ पे तिम्नासा ने बोला है कि अगर तुम 30 मिनट में वापस नहीं आए तो माँ और दादाजी के सामने डुबा डुबा का सच बता देगी, और साथ ही साथ तुम्हारा भी सच सामने आ जाएगा। तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ। विवान, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। पर अगर मैं घर चला गया तो बालवीर बनने से पहले जो मैंने कसम खाई थी उसका क्या होगा? इस समय अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है धरती को प्रोटेक्ट करना। लेकिन विवान, अगर करुणा जी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करेंगी, और उनके चिंता करने की वजह से तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा। इसलिए विवान, तुम्हें घर जाना होगा, वरना वो पागल तिम्नासा अपनी धमकी सच कर देगी। पानी भरी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी इस इमरजेंसी से डील करने के लिए। ठीक है विवान। अब हो ही जाए वन ऑन वन तिम्नासा। देवो, तुमने अभी तक अपने छोटे भाई को बुलाया क्यों नहीं है? ये देवो खुद भी गायब हो गया। वाह, लगता है इन दोनों भाइयों को बताना पड़ेगा कि इस खेल में पलड़ा किसका भारी है। के कमरे में नकाबपोश का हथियार। एक तो पता नहीं है मेरा नकली पति कहां चला गया। देखो ना, ठंड के कारण फोटोज पे भी धुंध जम गई है और इसके कांच भी टूट गए। लंदन में भी बहुत ठंड पड़ती है करुणा जी, और वैसे भी कांच ही टूटा है। फोटो तो एकदम सही है ना इसकी। वैसे ये है कौन, इतना प्यारा बच्चा? ये विवान की सबसे पहली फोटो है। विवान की सबसे पहली फोटो, लेकिन इसमें तो विवान 1 साल का दिख रहा है। विवान की इससे पहले की फोटो नहीं ली क्या आपने? देखिए। हाँ करुणा जी, हाँ थी ना, वो बहुत सारी फोटोज थी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि विवान की सबसे पहली फोटो है। वो मेरा मतलब था कि विवान के हॉस्पिटल की 1 साल की एज के पहले की वो सब फोटोज ना। कहाँ गई वो फोटोज? हाँ, तुम लंदन में थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। यहाँ कुछ साल पहले बाढ़ आई थी ना, तो उस बाढ़ में बह गई सारी फोटोज। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। मुंबई की फ्लड तो 2006 में आई थी, फिर ये कौन से फ्लड की बात कर रही है? तुम्हें क्या लेना है कब बाढ़ आई थी? चलो जरूरी काम है। तो विवान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि वैसे ही मैं टिम्मी आंटी को कंट्रोल करूंगा। अब तुरंत पायल दीदी बनकर मुझे घर से बाहर लेके आएंगे ट्यूशन के बहाने। ओके, ठीक है विवान। विवान, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। दोस्त, तुम यहाँ क्यों आए? डिम्मी आंटी ने चक्रव्यूह तुम्हें फंसाने के लिए बनाया। मैं जानता हूँ विवान, लेकिन चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तिम्नासा इस चक्रव्यूह में खुद फंस जाएगी। मुझे पानी परी की जरूरत है, मैं उनकी मदद से मैं उस कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढना चाहता हूँ। अरे बट दोस्त, कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढने तो मैं जा रहा हूँ, और मुझे घर से बाहर निकलने के लिए पानी परी की हेल्प चाहिए होगी। नहीं विवान, तुम यहीं रहोगे,
मैं और पानी परी उस कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढने जाएंगे। ए, पर दोस्त बात को समझो, मुझे पानी परी के हेल्प की जरूरत है कोल्ड वेव सोर्स को ढूंढने के लिए। विवान, हम दोनों जाएंगे। अरे अरे रुको, तुम दोनों को मेरी मदद की जरूरत है ना, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आप क्या चाहते हैं पानी परी? विवान, मैं नकाबपोश के साथ जा रही हूँ। ये हुई ना बात। ये नकाबपोश का हथियार मुझे देबू के कमरे से मिला। ये नकाबपोश घर में तो नहीं घुसा है? नहीं बेमार, अगर नकाबपोश यहाँ होता तो हम इस वक्त बात नहीं कर रहे होते बल्कि युद्ध कर रहे होते। तो ये हथियार देबू के कमरे में कैसे है? हो सकता है देबू को नकाबपोश अपने साथ यहाँ लाया हो, और अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों हैं कहाँ? हो सकता है विवान के पास गए और तीनों साथ में मिलके हमारी योजना पे पानी फेरना चाहते हैं। नहीं भाई, हमारे ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। देबू और विवान अपने घर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जाकर नकाबपोश का पता लगाओ कि वो है कहाँ, कहाँ छिपकर बैठा, और जैसे ही पता चले तुरंत आकर मुझे खबर दे देना। और भैमार, तुम जाकर मेरी उस गुप्त चर अनन्या को मेरे पास ले आ। याद के नाम पे सिर्फ एक कंगन है मेरे पास। इतने सालों से मैं तिमनासा की गुलामी कर रही हूँ, पर आज तक आपको उसके पंजों से नहीं छुड़ा पाई। मेरी माँ को तिमनासा के कारोबार से छुड़ाने की चाबी तुम ही हो नकाबपोश। पिछली बार वो बेहोशी की दवा काम नहीं की, लेकिन अगली बार ये ट्रैकिंग चिप जरूर काम करेगा। इस चिप से मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, और तुम धरती लोक से हो भी आने। सबसे पहले आप उस दिशा में अपना हाथ ऊपर करिए। अब उस दिशा में हाथ ऊपर करो। अब इस दिशा में हाथ ऊपर करो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास कोई योजना है भी या सिर्फ तुम समय बर्बाद कर रहे हो? विश्वास करिए, अब इस दिशा में हाथ ऊपर करो। ये क्या हो रहा है? पानी का तापमान शून्य के नीचे जाते ही वो अपने आप जम जाता है, और तुम पानी परी हो। अगर इस दिशा में तुम्हारा हाथ जम रहा है, दैट मींस शीत लहर का केंद्र इसी दिशा में है। करेक्ट। सॉरी विवान, तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। दोस्त, मैं तुम्हें तिमनासा के जाल में फंसने नहीं दे सकता।
बस बस मैं और काढ़ा पिलाओगे तो मेरे पेट में अदरक का पेड़ उग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो नहीं, सुनो, अगर काढ़ा नहीं पियोगे तो टॉन्सिल हो जाएंगे गले में। आधा घंटा पूरा हो गया लेकिन अभी तक विवान वापस नहीं आया। अरे बट अब मुझे टॉन्सिल जो ही नहीं सकते। क्यों, तू क्या हीरो है? नहीं, सुपर हीरो। क्या बोला? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े लोगों को थोड़ी ना टॉन्सिल जोते हैं। टॉन्सिल तो नहीं लेकिन तुम्हारे बालवीर होने का सच जानकर तुम्हारी प्यारी सी माँ को हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा।